गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की डेट में ओला उबर में कैसा काम चल रहा है, तो ये वीडियो आज इस बारे में है कि आजकल ओला उबर में किस तरीके का काम हो रहा है, क्या चल रहा है ओला उबर में। तो दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते की अर्निंग आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या अर्निंग मेरी चल रही है, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। अभी मैं पूरे एक महीने आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ कि ओला उबर के अंदर क्या अर्निंग हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अभी फिलहाल ओला उबर में क्या चल रहा है, कितना काम हो जाता है। दोस्तों, अपना रूटीन वही है भाई, डेली का 7-8 बजे निकलना, रात को 9-10 बजे आना। अब 11 बजे तक नहीं करता हूँ, थोड़ा जल्दी चला आता हूँ यार, ठीक है। तो अभी काम का हिसाब किताब आप देख ही रहे होगे, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 1500, 1700, 1800, 2000 रुपये तक का काम हो जाता है, और मैं आराम से करता हूँ यार। मैं बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करके भागम भाग नहीं करता हूँ, जितना भी होता है थोड़ा बहुत आराम आराम से कर लेता हूँ। तो 1700, 1800, 2000 रुपये का काम डेली ओला उबर में हो रहा है अभी फिलहाल दिल्ली में, यही चल रहा है। बाकी दिल्ली के अंदर दोस्तों, जिस हिसाब से ट्रैफिक होना चाहिए उस हिसाब से अभी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक नहीं है। ऑफिस का ट्रैफिक सुबह और शाम का है, और वो भी पहले के अकॉर्डिंग 50% क्या, मैं कहूँगा 30% ही होगा। उतना ट्रैफिक अभी फिलहाल दिल्ली में है ही नहीं, जैसा कि दिल्ली के अंदर अपना चांदनी चौक पूरा बंद ही कर रखा है, बहुत कम शॉप खुलती है। अभी मैं सदर बाजार से ही सुबह मैंने एक पिकअप लिया था, और यहाँ पे हौस खास मेट्रो स्टेशन छोड़ा था, तो वहाँ पर भी मतलब कि इतना ज़्यादा रश नहीं था, बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल ओला उबर में की पोजीशन ये है दिल्ली में, जैसे कि क्लब वगैरह जो होते हैं, जैसे बैचलर लड़के लड़कियाँ होती हैं, क्लब जाना पसंद करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो है काम निकलता था शाम के टाइम, रात के टाइम। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो है दिल्ली के अंदर जो है 8 बजे के बाद सब कुछ बंद कर देते हैं, यानी कि जैसे करोल बाग है, मैं एक दिन करोल बाग गया था, 9 बजे रात को गया था भाई साहब, देखा तो करोल बाग के अंदर कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा, यानी कि शॉप्स वगैरह सारी बंद थी, पुलिस वाले 8 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं। तो इस वजह से भी काम 8 बजे के बाद कम हो जाता है, नहीं है, कुछ लोग बचते हैं जो घर जाना चाहते हैं, तो वही है। बाकी उस तरीके से काम नहीं है, वो मजेदार वाली बात नहीं है कि एक ड्रॉप करो दूसरी ड्यूटी तैयार रहती है, अभी वो वाला हालात नहीं है यहाँ पे। और पता नहीं कब ये 8 बजे वाला चक्कर कब खत्म होगा, लोग निकलेंगे और ये 8 बजे का सिस्टम चलता रहेगा, तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इसे काम उठेगा। तो काम का यही है कि आई चलाई चल रही है भाई, दाल रोटी चल रही है खाली, और ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, ठीक है। काम करते रहो, काम मिलता रहता तो मन भी लगा रहता है, यहाँ ठीक है। फिर घिसते घिसते काम करो धीरे धीरे धीरे, कभी 100, कभी 50, 70 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये, और बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूटी नहीं मिल रही है आज की डेट में, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, इससे ऊपर अभी मतलब कल और आज के अंदर इससे ऊपर ड्यूटी नहीं मिली। हाँ, काम किस टाइम पे ज़्यादा है आपका, जैसे मान लीजिए कि सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ठीक है, और शुक्रवार की शाम के टाइम, शनिवार, रविवार, 3 दिन काम होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन शुक्रवार को जो है आफ्टरनून के बाद काम हो जाता है, क्योंकि छुट्टी होती है सैटरडे की, लोग थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं अपने घरों से, और सैटरडे भी छुट्टी वाला दिन ही होता है ज़्यादातर, जो बैंक वगैरह ज़्यादातर बंद रहते हैं सेकेंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे, और संडे को तो फिर छुट्टी रहती है, शाम के टाइम लोग निकलते हैं, तो उस दिन थोड़ा सर्च वगैरह लग जाता है और रेट वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी दिल्ली में चल रही हैं। आप लोग जैसा जानते ही होंगे कि मेरे पास वैगन आर है, मैं वैगन आर चलाता हूँ लीज पे लेकर ठेके पे, ठीक है। बाकी आप लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, और सबको कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, कोशिश करता हूँ एक वीडियो बना दूँ, और नहीं दे पाता हूँ तो भाई बहुत बुरा मत माना करो यार, ठीक है। आप लोग फैमिली मेम्बर की तरह हो, हमेशा बोलता हूँ, एक परिवार की तरह हो, और उसके नाते मेरा ये बनता है कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूँ, ओला उबर की रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, कुछ और भी करूँगा तो कुछ और की वीडियो बना के दूँगा आपको, ये तो जब तक चल रहा है चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं महिपालपुर फ्लाईओवर से जा रहा हूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पर काम वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ चला जाता हूँ।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ओला उबर के रिकॉर्डिंग वीडियो धमाकेदार लेकर आता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम दोस्तों आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।